এই আলুৰ চিপছখিনি মই কেনেকৈ বনাইছো জানিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাওক। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, উমতাৰাজ কিটচেনলৈ মই সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আলুৰ চিপছৰ ৰেচিপি। আলুৰ চিপছ কোনে কোনে খাই ভাল পায়? মইতো বিৰাটে খাই ভাল পাওঁ। তেনেহ'লে বলক, পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ভিডিওটা যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ। আলুৰ চিপছ বনাবলৈ প্ৰথমতে মই ইয়াতে লৈছো 2 কেজি আলু আৰু আলুবিলাক মোৰ মিডিয়াম সাইজৰ লৈছো। এয়া চাওক, বেছি ডাঙৰ নহয়, বেছি সৰুও নহয়। तार पिछत लैसो बाल्टी आलूबिलाक धोबर कारणे। एया चाওক, मैं आलूबिलाक बाल्टी दी आसो। दी पेलाय मैं आलूखिनि भालदरे धुई लम। एतिया मैं आलूखिनि पानी दी आसो धोबर कारणे। आलूखिनि धुई लोवा হৈ গল আৰু এনেদৰে মই বাল্টিত আলুখিনি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীতে থৈ দিম। এনেকে 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত आलूखिनि एतिया मैं एनेके भालदरे धुई पेलाय उठाई लम। एया साक आमार आलूखिनि धुई लोवा होइ गल आरु अलप समयर कारणे थई दिसु। एनेका एटा डांगर पात्रत पानी लब, पानीखिनि अलप बेसिकै लब। एतिया मैं आलूबिलाक बाकलिबिलाक काटि लम, माने सिलाई लम आरु एनेके आरो कटारी बा चाकु दि करिलो हय। एया साक आमार एटा आलू होइ गल सिलाई लवा। एनेकै मैं गोटे आलूखिनि सिलाई लई लम। एया साक आमार गोटे आलूखिनि सिलाई लवा होइ गल। एतिया मैं ए आलूखिनि भालदरे धुई लम। एतिया मैं आलूखिनि काटि लम। आपनलोकर जेनेकै सुविधा हय तेनेकै आलूखिनि काटिले हय, रुकुनी बा चाकू बा कटारीरे बा आलू काटारे आरो एने धৰণৰ पातलके काटि লব চাইছে। এয়া ঠিক এনে ধৰণৰ আৰু লগে লগে পানীত পেলাই দিব, নহলে ৰংচুৱা হৈ যাব। ৰংচুৱা হৈ গলে দেখাত ভাল নহব। এয়া চক মই আকৌ দেখাছো ঠিক এনে ধৰণৰ পাতল। पिछत मैं चाकू एखनरे एनेदरे करि आसु। चाकू दि करिलो आमार होइ जाय। ए आलुर चिप्स बिलाक जदि डिजाइन दिबो खोजे आपनलोके तेनेहले डिजाइन दिबो पारे, किन्तु मैं एको डिजाइन दिया नाय, मैं सिम्पल हे बनाइसु। एया साक आमार आलूखिनि काटि लोवा होइ गल। एतिया मैं आलूखिनि भालदरे धुई लम। आलूखिनि एनेके मैं बाल्टीत दिसु आरो मैं बाल्टीत आलूखिनि भालदरे धुई लम। 2-3 बार साफा पानी नहालैके धुई थाकिम मैं। एया साक आमार आलूखिनि धुई लोवा होइ गल आरो आमार पानीखिनिओ साक किमान साफा आइसे। ठीक एनेदरे करि लब आपनलोके। एतिया मैं आलूखिनि पानीर परा एटा बेलेग पात्रत नुमाई लई लम। प्रथमते गोटेइखिनि। एया साक आलूखिनि बेलेग एटा पात्रत दिया होइ गल आरो फिटकिरि लैसु। फिटकिरि लले आमार आलूखिनि रंगसुआ নহ'ब, तार কাৰণে লৈছো আৰু এনেদৰে কাটি লৈছো। এয়া সাক কুৰি কৰি ল ফিটকিৰিখিনি। এতিয়া মই পানী দি লম আৰু দি পেলাই ভালদৰে মিহলাই লব। পানীখিনি মিহলাই লোৱা হৈ গল ফিটকিৰিখিনি পানীৰ লগত। এতিয়া মই তাত দিছো আলুখিনি। এনেকৈ দি দিছো গোটেই আলুখিনি। তাৰ পিছত আকৌ হাতেৰে ভালদৰে ফিটকিৰিৰ লগত আলুখিনি মিহলাই লব। মিহলাই লোৱা হৈ গল। এতিয়া আলুখিনি মই গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম আৰু আলুখিনি যাতে পানীৰ তলতে থাকে আৰু পানী যাতে বেছিকৈ দিয়ে, নহলে ওপৰত থাকিলে ৰংচুৱা হৈ যাব তাৰ কাৰণে। पिछदिनाखन आमार आलुखिनि एनेधरण होइसे साओ पानी तलते आसे कारणे कोनो रंगा संगा परा नाइ। आको मैं आलुखिनि भालदरे पानी धुइ लम साफा पानी नहोवालै। एया साओ आमार आलुखिनि धुइ लोवा होइ गल। एतिया आमार आलुखिनि पानी हरिबलै चालनी एखनत दिलम एनेके कारण चालनी दिले पानीखिनि हरि যাব जिखिनि आसे। चालनी दि लोवा हल आलुखिनि एतिया आमी नेक्स्ट प्रसेस লৈ যাও। आको লৈছো ফিটকিৰি। एतिया এটা কেৰাহী লৈছো আৰু কেৰাহীত পানী দিছো গৰম হ'বলৈ। पानीखिनि गरम होइ गल आरो মই स्वाद अनुहरि निमक दिसु। निमक मैं 1.5 चामच मान दिसु आरो दिसु मैं फिटकिरि दी दिलु। एतिया हेता एखनरे भालदरे मिहलाई लब पानीर लगत फिटकिरि तो मिहलाई लवा होइ गल। एतिया मैं याते दिसु आलुखिनि एनेदरे अलप अलप कई दिसु। केराहित आलुखिनि दिया होइ गल। एतिया मैं हेता एखनरे भालदरे आलु बिलाक पानीर लगत मिहलाई दि आसु। मिहलाई दिया होइ गल आलुखिनि। एतिया मैं ढाकनी दि লৈছো ওপৰত অলপমান হিজিবলৈ। ঢাকনিখন গুছৰ পিছত ঠিক এনেদৰে উতল আহি যাব আলুখিনিত। एनेके आलू एटुकुरा मैं सालनीत उले लैसु बहुत गरम तार कारणे एनेके हातेरे लई लबो आरो एनेके भाज करि लबो। भाज होइसे माने आमार आलू तो हिजिसे। तार पिছত मैं एनेके नख लगाइ दिसु। नखेरो काटि गइसे आमार आलू तो हिजिसे। एया सक केराहिर परा आलुखिनि मैं सालनीत एनेदरे नुमाइ लैसु पानी तो हरि जाबर कारणे आरो हेतारे मैं एनेदरे अलप मेलि दिसु बहुत गरम तार कारणे। आरो एनेकै मैं ठंडा होबले दिम आलुखिनि। कटन कापुर लैसु मैं आलुखिनि मेलि दिबर कारणे। आलुखिनि हुकाबलै मैं एनेदरे कापुर एखनत दि आसु आरो एनेके एटा एटाकै अलफ गेफ राखि दि যাব। आलुखिनि एनेकै एटा एटाकै दिया बहुत बोरिंग काम হয় আৰু যদি কাৰোবাৰ হেল্প ল'ব খোজে ল'ব পাৰে। আৰু মই এইখিনি আলু মেলি দিওঁতে মোক হেল্প কৰিছে মোৰ মায়ে। আমি দুজনে মিলি দি দিছো মেলি। এয়া চাক আমাৰ আলুখিনি মেলি দিয়া হৈ গল। আৰু ইয়াতে আলু আছে আমাৰ 2 কেজি। অলপ কঠিন কাম হয় এইটো আলুৰ চিপছ বনোৱা। অলপ দেৰিও লাগিব বনোৱাতে आरो रोदो बहुत प्रखर दिसे। आमार आलू चिप्स किनि भालदरे हुकाइ जाबो रोदत। आरो एनेके मैं गोटेई दिनटर कारणे रोदर हुकाइ लम आलुखिनि। गोटेई दिनटो हुकुवार पिছত आलुर चिप्स आमार रेडी होइ गइसे। आरो आमी एनेदरे भाजी बनै खाव पारो। एतिया आरो नेक्स्ट दिनाखनो आमी रोदत दिबो पारो। आलुर चिप्स खिनि भाजिबलै मैं एटा केराही लैसु आरो केराहीत मैं दिसु तेल। मैं रिफाइन तेल दिसु। याते तेल खिनि गरम होले नाइ ताके चेक करिबर कारणे आमी एटा आलुर चिप्स दिसु। एया सक आमार आलुर चिप्स तो होइ गइसे माने आमार तेल तो गरम होइसे। एतिया मैं याते आलुर चिप्स खिनि दि लैसु। दि पेला एनेके मैं भाजी करि लम। एया सक आमार आलू चिप्स खिनि केनेके धुनियाकै फुलि उठिसे। एया सक घरते बनोवा आमार आलुर चिप्स किमान धुनिया হৈ গৈছে সক। আমি এনেদৰে আলুৰ চিপ্স ঘৰতে বনাই খাব পাৰি অতি সহজতে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই চাবচোন এবাৰ। एया सक मैं आलुर चिप्स आपनलोक भांगिओ देखुवाइसु। सहजते भांगि गइसे माने आलुर चिप्स खिनि आमार बहुत सुंदर होइ गइसे। आलुर चिप्स खिनि आमी এবছৰলৈকে টেমা এটাত ভৰাই ৰাখি দিব পাৰি। আৰু মাজে সময়ে আলুৰ চিপ্স খिनि ৰ'দত দি ল'ব নহ'লে বেয়া হৈ যাব তাৰ কাৰণে। शेषলৈকে ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।